गाइस गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आप सबके। अंबाला से निकल रहे हैं, सुबह की बज रही हैं 6:07 हो गए। फ्रंट लुक देखें अपनी बाइक का, ज़बरदस्त लुक आ रहा है फ्रंट से, देख लीजिए लाइटिंग, और पीछे से क्या लुक आ रहा है देख लीजिए आप, ज़बरदस्त लुक आ रहा है नाइट का, एकदम हेड टर्नर बाइक बन चुकी है अपनी। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। पता नहीं जो मेरी आंखें देख रही है वो कैमरा जस्टिफाई कर पाएगा या नहीं पता मुझे, पर आप इस तरफ देख रहे हैं, मुझे यहाँ से 25 फीट आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, टोटल ओस है, ओस गिरी हुई है देख लीजिए, गजब वाली। और अभी यहाँ ये कंडीशन है दिसंबर में, नवंबर दिसंबर जनवरी में क्या होता होगा आप अनुमान लगाइए, देख लीजिए क्या ज़बरदस्त ओस है और कितना शानदार मौसम हुआ है। ठंड, मतलब मुझे मेरी ठंड का एहसास वापस हो गया, मैं इस बार ठंड को बहुत ज़्यादा मिस किया, क्योंकि कब इन कब चलेगी पता नहीं चला, ठंड जल्दी चली गई, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, मैंने कहा ठंड वापस मिलती, पर अब आगे अगर और ऐसी अच्छी अच्छी ठंड मिल गई ना तो थोड़ा सा मामला डिस्प्यूट हो जाएगा, थोड़ा डिस्प्यूट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैं बढ़िया हैवी वाला जैकेट ही नहीं लाया हूँ। तो देखेंगे क्या होता है आगे। गाइस गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे जिगरी यारों। अपन सुबह 5 निकल चुके हैं अंबाला से, लगभग अपने को 1.5 हो गया बाइक चलाते थे, क्या ज़बरदस्त मौसम है यहाँ का, आई लव इट, मज़ा आ रहा है। सुबह सुबह गर्म पानी से नहा के और जो निकले हैं ना, क्या गजब का है। और मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ अब आपकी आँखें दंग रह जाएगी, क्योंकि अपने वहाँ पर तो भयंकर वाली गर्मी हो गई है और यहाँ पर क्या मौसम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़, दिल्ली से कटरा तक या जम्मू तक इतना ज़बरदस्त रोड बन गया है ना, लास्ट टाइम अपनी लास्ट ईयर अपन जो आए थे माता जी के दर्शन करने, उसमें अपन जितना ज़्यादा परेशान हुए थे रोड की वजह से, उतना ही आज अपन इन्जॉय कर रहे हैं। तो दिखाता हूँ मैं आपको रोड कैसा है और अभी मैं जहाँ रुका हुआ हूँ वहाँ पर इन्वायरमेंट कैसा है। गाइज ये देखो क्या ज़बरदस्त का माहौल है, और रोड देखो आप, ऐसा रोड आपको दिल्ली से निकलोगे ना, आप दिल्ली से निकलते ही शेर जम्मू तक आपको ऐसा ही 6 लेन 8 लेन भी मिलेगा, बीच बीच में नेशनल हाईवे 44 बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, जिसका काम लास्ट 3 या 4 सालों से चल रहा था, अब जाके कंप्लीट हुआ है। दिल्ली से जम्मू तक सेम ऐसा ही रोड मिलेगा आपको, बिना किसी रुकावट के, बीच में ना कोई कट है ना ही कोई बीच में अवरोध है, बहुत ज़बरदस्त। और आप इधर का माहौल देखें आप, ये देखिए आप ओस देखिए आप, क्या ज़बरदस्त ओस गिर रही है, आप इस माहौल को देखें, खेतों में क्या ज़बरदस्त वाली ओस है, ये देखिए आप क्या माहौल है पंजाब का, ये है असली माहौल। ठंड है, 15 से 17 के बीच में टेम्परेचर है अभी यहाँ का, ज़बरदस्त माहौल है देखिए आप, अपन भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं और इसी इन्जॉय को करते करते अपन आगे चल रहे हैं, क्योंकि ठंड अपना फेवरेट मौसम है। गाइस सुबह की बज रही है 6:48, अपन पंजाब में दाखिल हो चुके हैं, लुधियाना पहुंचने वाले हैं अभी आधा घंटा, एक मैक्सिमम अपने को आधा घंटा हो गया निकले हुए। अब एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि रोड इतने ज़बरदस्त हो चुके हैं ना, दिल्ली से निकला हूँ मैं विदाउट ट्रैफिक, बिल्कुल कम नॉर्मल जो होता है वैसे ही था, ऐसा कोई भयंकर ट्रैफिक नहीं है। दिल्ली से जम्मू तक सेम यही रूट है, अगर आप टू व्हीलर से नॉर्मल बाइक भी लेकर आते हो तो भी बन्नाट जा सकते हो, फोर व्हीलर हो तो भी कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा नॉर्मल ट्रैफिक मिलेगा आपको ठेठ जम्मू तक। अभी जम्मू तक मैं पहुंचा नहीं हूं, पर जम्मू तक लोगों से जो मैंने पूछा है ना, सब ने यही कहा कि सर जम्मू तक आपको सेम टू सेम यही रूट मिलेगा, और जम्मू से कटरा भी ऐसा कैसा रूट है, तो काफ़ी अपन इन्जॉय करने वाले हैं, तो बने रहना। और आप सबसे भी कहूँगा भाइयों, जीवन में सब कुछ करो, पैसा खूब कमाओ, मैं ऐसा नहीं कहूँगा खूब पैसा कमाओ, पर लाइफ में एक बार एडवेंचर करने के लिए अपने फैमिली सहित या यार दोस्तों सहित या अकेले भी निकल जाओ ना, वैष्णो देवी दर्शन, बाय कार जाओ बाय बाइक जाओ, ऊपर पैदल चढ़ो पैदल उतरो, केदारनाथ चारों धाम, मतलब जवानी में ही कर लो, बुढ़ापे में तो करना ही है, हरिद्वार ऋषिकेश नैनीताल ये जो जगह है ना अल्टीमेट जगह है, ठीक है, एक बार इन जगहों का टूर ज़रूर करना चाहिए आपको। सही बात, Thank you.
गाइस ये देखो बाइक के लिए लोग ऊपर बैठ बैठ के फोटो शूट और वीडियो शूट करवा रहे हैं। देख लो ऊपर बैठ बैठ के फोटो शूट और वीडियो शूट हो रहा है बाइक पे। गाइस ये सारा जो एंजॉयमेंट है या जो घूमना फिरना है ना आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देने के लिए है। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है भाई, मेरे नीचे जो रेड बटन आ रहा है ना सब्सक्राइब का, इसको बढ़िया से दबा दो क्योंकि इसके कोई पैसे नहीं लग रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो इंडिया में तो देखो फ्री में मिली हुई चीज़ को लोग पहले लेते हैं। तो गाइज अगर आपको फ्री में अगर सब्सक्राइब करना मिल रहा है तो भाई क्यों नहीं कर रहे हो। इतना ज़बरदस्त चैनल है, तो शानदार आपको वीडियो देखने को मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं आप इसको सब्सक्राइब कर रहे हो। तो भाई मेरे ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अभी अपन हैं जलंधर के आसपास हैं, यहाँ से आगे निकलेंगे। आज अपनी डेस्टिनेशन कटरा पहुँचना है, तो कटरा पहुँचेंगे और बाकी की बातें अपन बीच में और कहीं रुकेंगे वहाँ करेंगे। तो गाइस मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, चलिए मिलते हैं। गाइस फर्स्ट ब्रेक अपना हो चुका है और फर्स्ट ब्रेक लेने के बाद अपन निकल चुके हैं और टाइम हो रहा है 9:16, तो बने रहना। अभी आगे अपने को ऑयल पेट्रोल फिलिंग करवानी है, वो करवा देते हैं फिर वापस अपनी स्पीड पकड़ते हैं। अभी मैंने ग्लव्स भी नहीं पहने, जैकेट भी नहीं पहना। गाइज अपन जम्मू से 180 किलोमीटर दूर है अभी। ठीक है, गूगल बाबा या एप्पल वाले बाबा बता रहे हैं कि अपन 3-3:30 बजे तक पहुंच जाएंगे ऐसा लग रहा है, पर अब यार भूख लगने लग गई है थोड़ी सी और टाइम हो रहा है 11:15 हो गया, 11:16 हो गए हैं। तो अब थोड़ा सा कुछ नाश्ता कर लिया जाए, भूख सी लगे जा रही है। तो सेकेंड ब्रेक ले रहे, फर्स्ट ब्रेक अपन ने पहले सिर्फ टी ब्रेक लिया था, अब अपन नाश्ता ब्रेक ले लेते हैं। तो देखते कहीं आगे अच्छी जगह मिलती है तो रुक जाते हैं। रोड भाई वास्तव में एक नंबर हो चुके हैं यार सारे रोड। लास्ट टाइम अपन जितना ज़्यादा परेशान हुए ना उतना ही इस बार अपन ने एंजॉय किया रोड्स को। क्या ज़बरदस्त रोड बने हुए हैं, मज़ा आ जाएगा यार वास्तव में। आपको गाड़ी टॉप गियर में ही चलानी पड़े चलाओगे इतना ही है। अगर आप वास्तव में रियलिटी में कोई बाइक ऐसी है ना और अगर आप लंबा सफ़र कर सकते हो, मतलब ऐसा 700-800 किलोमीटर रेगुलर चला सकते हो, तो आप अगर दिल्ली से अगर टॉप गियर लगाओगे ना तो सीधा जम्मू आकर ही आप उस गियर को चेंज करोगे, ऐसी कंडीशन हो जाएगी आपके। टॉप गियर भी आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इतना शानदार रोड बना हुआ है। तो अब देखते हैं कुछ आगे अच्छा आता है तो अच्छा ढाबा वाबा मिलता है तो अपन रुकते हैं और फिर कुछ पेट पूजा कर ली जाए, तो बने रहो। हेलो गाइज, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल DSK राइडर। गाइज अपना थर्ड ब्रेक हो चुका है, टाइम हो चुका है 12:30 बज चुकी है और अपन पठानकोट से 20 किलोमीटर पहले हैं। तो अभी अपन ने यहाँ पे खाना खा लिया है और अब अपन यहाँ से निकल रहे हैं। तो अब आगे का रास्ता काफ़ी बढ़िया है और पठानकोट पहुँचेंगे। जब गए बार अपन गए थे तो काफ़ी परेशान हुए थे ट्रेन को लेकर और कोविड की रिपोर्ट को लेकर, तो इस बार वो कोई लफड़ा नहीं है। तो चलिए अब सीधा निकलते हैं अपन पठानकोट की ओर, तो बने रहो। चलिए जी गाइस, थर्ड ब्रेक अपना हो चुका है और अब अपन निकल रहे हैं सीधा पठानकोट की ओर। अब अपने यहाँ से पठानकोट है अप्रोक्स 30 किलोमीटर है, तो देखते हैं कब, और जम्मू है 150 किलोमीटर है यहाँ से, तो देखते हैं कब पहुँच पाते हैं। अब 12:30 बज रही है, खाना पीना अपना हो चुका है, अब देखते हैं कहीं रुकने की इच्छा तो नहीं है, पर बीच में कुछ देखा जाएगा कि नींद वींद आ गई तो रुकना पड़ा तो बने रहो। गाइज ये घुमावदार रोड आ गए, इसका मतलब आप पठानकोट पहुंच चुके हो। पहले काफ़ी टूटे फूटे से थे ये रोड जब मैं लास्ट टाइम आया था, पर अब ये रोड काफ़ी शानदार हो चुके हैं, एकदम क्लीन चिकने चिकने। अब 2 किलोमीटर बाद पठानकोट आने वाला है। गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं। वेलकम टू द जम्मू एंड कश्मीर।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, फाइनली ये अपना जम्मू कश्मीर में इंटर हो चुके हैं। ये देख ले जम्मू कश्मीर, ये बॉर्डर वॉर्डर लगे हुए हैं ना, तार यहाँ से ऐसे तार बॉर्डर पे भी बिछाए जाते हैं। ये गाड़ियों का टोल प्लाजा है फोर व्हीलर का, और इधर टू व्हीलर विदाउट टोल आते हैं बेचारे। अब फाइनली अपन पहुंच चुके हैं जम्मू में। अब यहाँ से जम्मू है 70 किलोमीटर, 70 या 80 लगभग है। लॉकडाउन में यहाँ तक भीड़ लगी रहती थी भयंकर वाली। गाइस, जम्मू कश्मीर में जैसे इंटर लिया ना, अभी एक सेकंड पहले मेरे से पास में से एक अपना छपरी ब्रो निकले, वही, ये तो जेके है, जेके में एके चलता है। समझ गए ना आप? अब देख लो, ऐसा बन्ना निकला, ना हेलमेट, ना कोई राइडिंग गियर्स, पैरों में चप्पल, और पता नहीं कौन सी बाइक थी, ऐसा स्पीड से निकला। और फिर आगे जाके वाट देख रहा है कि पता नहीं मैं उसको रोक के उसके लिए तालियां बजाऊंगा या उसको माला वाला पहनाऊंगा, पता नहीं क्या करूंगा। पता नहीं यार, ये छपरी लोगों को क्या सूझती है ऐसे चवन्नागिरी करने में, क्या मजा आता है। इन्होंने एक गाड़ी के इतने शानदार ब्रांड को ख़त्म कर दिया, पता है। KTM इंडिया से भाग जाएगा थोड़े दिन में, क्योंकि KTM की गाड़ी अब कोई लेता ही नहीं है, कोई जेन्यून पर्सन। KTM इतनी शानदार बाइक होती है रेस और कंफर्ट के मामले में, और ये समझ लो एक तरीके से रेस मशीन होती है। आज उसको कोई लेना नहीं पसंद करता है, अगर कोई गाड़ी लेता है तो उस इंसान की वाट लग जाती है, छपरी 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 बोल बोल कर। कोई जेन्यून पर्सन भी अगर लेता है ना तो भी उसकी वाट लग जाती है। KTM की इतनी शानदार शानदार बाइक है, 390 एडवेंचर, एक ओनली नॉर्मल 390 जो है मेरी फेवरेट बाइक है, मैंने उसको चलाया ना, मैंने डोमिनार को उसको कंपेरिजन करा था तो मेरे को वही पसंद आई थी 390 पर। एक तो उसका जो मार्केट वैल्यू जो बनी हुई है, छपरी ब्रो छपरी छोरो छपरी बोले तो KTM, तो अपन ने उसको कैंसिल कर दिया। मैंने कहा अपने को कल को कोई छपरी बोलेगा सहन नहीं होगा अपने से, भले अपन जेन्यून तरीके से चलेंगे पर तो भी लोग अपने को बोले बिना नहीं रहेंगे, ना अपने वीडियो को बोले बिना रहेंगे। तो इसलिए अपन ने उसको कैंसिल किया और फिर अपन ने डोमिनार को लिया। डोमिनार बहुत अच्छी बाइक है, शानदार बाइक है भाई, बहुत रिलायबल और बहुत फ्यूल एफिशिएंसी करने वाली बहुत शानदार बाइक है। बस अगर आपके शहर में इसका जेन्यून सर्विस सेंटर हो ना तभी आप इस बाइक को लेना। मेरे वहाँ पर था, बंद हो गया है। अब इसकी सर्विस के रिलेटिंग कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो मुझे बहुत इधर उधर घूमना पड़ता है, भटकना पड़ता है और परेशान होना पड़ता है। आपसे भी यही कहूँगा भाई, अगर आपके वहाँ पर प्रॉपर इसका सर्विस सेंटर हो ना तभी आप डोमिनार लो। गाइस, घूमने के दीवाने किसको कहते हैं, देखिए चारों बंदे हैं ना, केरला से आए हैं, इनके पास हिमालयन बाइक्स है, और चारों लोग बिना किसी व्लॉग व्लॉग कुछ नहीं बनाना, सिर्फ घूमना है हमको केरला टू कश्मीर, तो पूरा उदयपुर वगैरह सब कुछ घूम कर आए हैं। इसको कहते हैं दीवानगी घूमने की, और केरला से हैं बाय। अभी हमने से अच्छा इनका इंट्रोडक्शन हुआ, जान पहचान हुई, इन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया और एक से मेरा नंबर भी एक्सचेंज हुआ। इनका न चैनल है न इंस्टाग्राम है, डायरेक्ट घूमने का शौक है। कश्मीर केरला से निकले हैं, कश्मीर तक घूमेंगे और वापस अपने घर चले जाएंगे। ऐसा होना चाहिए घूमने का स्पिरिट जीवन में, एक बार ये ज़रूर करना। हर मैं यूथ से कहूँगा कि कमाना, बीवी बच्चे ये सब जीवन में होता रहेगा, पर एक बार ये जो लाइफ है ना जी के ज़रूर देखना। एक बार केरला से कन्याकुमारी बाइक पर ट्रेवल करके ज़रूर देखना, बहुत इंजॉय करोगे और बहुत मज़ा आएगा। चलिए मिलते हैं। चलिए जी, आज का आई थिंक सो लास्ट ब्रेक। टाइम कितना हो रहा है, टाइम अप्रोक्स 4 बजने वाली है, और अपन ने सफ़र कितना कर लिया है, 587 किलोमीटर अपन ने गाड़ी चला ली है आज की डेट में। चलिए,
फाइनली पहुंच चुके हैं कटरा। कटरा की होटल में अपन ठहरे अपने एक भाई के रेफरेंस से, अपने को होटल मिला बहुत शानदार और बहुत फिनोमिनल होटल है। अपन जो अम्बाला रुके थे ना उससे 21 होगा, 20 नहीं होगा ना 19 होगा, उससे 21 ही है। बहुत शानदार होटल है, होटल काफ़ी बड़ा है। अम्बाला में जैसे 20-25 कमरे थे, यहाँ पर शायद आई थिंक 80 प्लस कमरे हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, नीचे रिसेप्शन काफ़ी बढ़िया है। तो अब मैं आपको एक कमरे का ओवरव्यू दिखाता हूँ और फिर अपन रेस्ट करते हैं, तो बने रहो गाइस। ये देखिए ओवरव्यू रूम्स का, काफ़ी शानदार है। बेड, एसी, मैंने ये चीज़ देखी लास्ट 2-3 दिन से जो अपने को होटल मिल रहे हैं ना उन सब में एसी ऑटोमेटिक नहीं है, मैन्यूअल है, मतलब अपन जैसे चाहें वैसे उसको रख सकते हैं। और कमरा भी आप देख सकते हैं कैसा है, शानदार है। यहाँ से जस्ट नीचे होटल का पूरा ओवरव्यू दिखता है। और ये देखिए ये शानदार रूम्स। तो गाइज ये रहा आपका भाई 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 धर्म। कैसे हो गई ये शकल यार, गाड़ियों पे घूम घूम के। कोई नहीं, ये मेहनत जो हो रही है इसका इनाम तो आप मुझे देंगे सब्सक्राइबर के रूप में। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज का ये व्लॉग अपन यहीं एंड कर रहे हैं। अपन कटरा पहुंच चुके हैं, अब नेक्स्ट व्लॉग अपना स्टार्ट आज इवनिंग को होगा या कल मॉर्निंग को होगा, आई डोंट नो, पर देखा जाएगा। जो भी होगा जो जल्दी ही आपको पता चलेगा।